नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर के दौरान दोस्ती कर स्कूली छात्रा से ही गलत वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आ रहा है। घुमाने के बहाने ही उसे होटल की तरफ ले गया है और मादक पदार्थ मिली कोल्ड ड्रिंक ऑफर की और बेचैन होने के दौरान ही उसने गलत वारदात को अंजाम दिया है और इसी दौरान अब मुरलीपुरा थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी गई है। पूरा मामला है जो राजस्थान की राजधानी जयपुर से है, जहाँ पर पुलिस ने बताया कि मुरलीपुरा निवासी एक युवती ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है और उसने बताया कि 17 वर्षीय उसकी बेटी 10वीं क्लास में पढ़ती है और स्कूल आने जाने के दौरान उसकी रिंकू शर्मा नाम के युवक से दोस्ती हो गई थी और आरोपी रिंकू ने दोस्ती कर उसे प्रेम जाल में ले लिया और 30 जून को मिलने के बहाने घर के बाहर बुलाया था। घूमने के बहाने रेलवे स्टेशन के पास अग्रवाल होटल ले गया है, जहां पर एक नशा मिली कोल्ड ड्रिंक ऑफर की है और बेचैन के दौरान उसे गलत वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि परिजन घर नहीं लौटने पर ढूंढते रहे हैं, लेकिन अगली सुबह करीब 10 बजे के आसपास आरोपी रिंकू घर के बाहर ही छोड़कर फरार हो गया है। इसके बाद जैसे ही वह गुमसुम रहने लगी तो तसल्ली देकर बेटी से पूछताछ की तो आपत्ति सुनाई है। इसके बाद परिजनों ने अब रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। पुलिस ने भी रिपोर्ट दर्ज करते हुए मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट अपनी राय जरूर दें।